वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं 107 FM। और आज हमारा जो टॉपिक है पेरेंटिंग के हवाले से हम बात करेंगे। तो हमारे साथ हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनके मैं नाम आपको बताते चलूँ। कमल लीक है हमारे साथ जो कि ट्रेनर है ERDC में, उसके साथ ही तलहा आसिफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो वेलकम करते हैं इनको शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। तलहा साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। और कमल आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जबरदस्त, ग्रेट। और गर्मी हो रही है वहाँ पे? जी, हाँ, अच्छा। आज हमने जो टॉपिक रखा था वो था, हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अभी COVID-19 की वजह से सिचुएशन इस तरह की हुई हुई है कि बड़े तो सफ़र कर ही रहे हैं लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। उनका ना स्कूल है इस वक्त, ना उनकी कोई और एक्टिविटी है। तो इसमें किस तरह पेरेंट्स इन्वॉल्व कर सकते हैं बच्चों को, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। सही, जी बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं समझता हूँ आज के हालात को देखते हुए बहुत अच्छा और बहुत जबरदस्त आपने टॉपिक चूज किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम बिफोर के पेरेंट्स क्या काम कर रहे हैं बच्चों के साथ और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, मैं समझता हूँ कि बच्चे इस वक्त, बच्चों ने क्या, बड़ों ने भी आज तक ऐसी कोई सिचुएशन, इतने अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स देखे नहीं अपनी जिंदगी में कि जिसमें पूरी दुनिया एक लॉकडाउन का शिकार है, सब एक खौफ के फिजा में रहते हुए काम कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर ये जो खौफ है, हमें ये भी सोचना होगा कि हम ये खौफ कैसे कम कर सकते हैं, किस तरीके से हम इस खौफ को मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उनसे बातचीत की जा सकती है, उनके साथ क्या इस तरह की एक्टिविटीज की जा सकती है घर में रहते हुए, कि वो जो मेंटल एक स्ट्रेस और प्रेशर तमाम लोगों पर है उसके कितने दूरदर्श नतज मिलते हैं जो मुस्तकिल इस कैफियत में रहता है। तो बच्चों को हम किस तरीके से इस कैफियत से दूर कर सकते हैं, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होगी इंशाल्लाह। अगर मौका मिला तो आज कुछ इस हवाले से भी कुछ बात करेंगे, वो एक्टिविटीज जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं जिसके नतीजे में ओवरऑल एक रिलेशनशिप बिल्डिंग भी हो सकती है, उनकी एजुकेशनल वैल्यू भी होगी इंशाल्लाह, और ये जो खौफ और फियर की फिजा है इसको भी हम मिनिमाइज कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी अच्छा, मैं इस हवाले से एक एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। जो तलहा ने बात की, जो खौफ की सिचुएशन है या एक बेचैनी हो, परेशानी है, तो आप पेरेंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, और मैं पिछले प्रोग्राम से भी कनेक्ट करूंगी जिसमें हमने दो पॉइंट्स रखे थे, रिलेशनशिप और ट्रस्ट बिल्डिंग। तो असल में तरबिया पर हम बात कर रहे थे कि तरबिया करने के लिए आपकी मॉडलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में या किसी ऐसी ऐसे मुश्किल हालात में हम कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, ये भी तरबिया का पार्ट है। यानी तरबिया ऐसे नहीं होगी कि आप बाकायदा तौर पर कुछ पढ़ा रहे हैं, आपकी मुख्तलिफ सिचुएशन में आप कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या मॉडल करते हैं, ये भी तरबिया का एक पार्ट। अगर ये सिचुएशन हमारे लिए हमें खौफ के खौफ में मुब्तला कर रही है तो बच्चे हमसे खौफ सीख रहे हैं। अगर हम ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमें अल्लाह ताला से की तरफ रुजू करना है, उससे जो है वो माफी मांगनी है और अपने आप को अल्लाह ताला से कनेक्ट करना है, तो बच्चे हमसे ये सीखेंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की। और बिल्कुल ऐसे ही होता है कि पेरेंट्स बेसिकली, हम सब लोग अपनी अपनी जो ज़िंदगी में जो कुछ भी कर रहे होते हैं वो हमारे सामने कोई ना कोई रोल मॉडल होता है, और उसमें ज़्यादातर सब लोगों के सामने पेरेंट्स ही होते हैं जो जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर हमारे पेरेंट्स के दिल में कोई भी खौफ है, चाहे अभी तो जैसे ये COVID-19 की सिचुएशन है, लेकिन उससे हटकर अगर कोई किसी जानवर से डरता है तो वो डर बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो आदतें होती हैं वो अपने पेरेंट्स से लेते हैं। तो इस वक्त सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने आपको थोड़ा सा पुरसकून रखना है, थोड़ा काम रखना है, थोड़ा इस तरह से बच्चों के सामने ज़्यादा ये शोर शराबा डर का मतलब इजहार नहीं करना, तो ये बिल्कुल सही बात है। जी कमल। जी बिल्कुल ऐसे, और इसमें यानी बच्चों के साथ डिस्कशंस जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। और यानी सलमान साहब जो हमारे बारे के डायरेक्टर हैं, वो अक्सर ये बात करते हैं कि बातें करना खालिस्तन तालीमी काम है। बिल्कुल। पर इस वक्त तो चैलेंज पेरेंट्स फेस कर रहे हैं वो इस लिहाज से कि ये जो इतना वक्त है जिसमें बच्चे भी घर पर हैं और दूसरे घर के अफराद भी घर पर ही हैं, तो उन्हें कुछ किया जाए। तो उनसे यानी डिस्कशन का एक मौजू ये भी बन सकता है
कि इस सिचुएशन में हमारा क्या रवैया होना चाहिए, हमें कैसे इस सिचुएशन में रिएक्ट करना चाहिए। तो रिलेशनशिप बिल्डिंग का ये बहुत बेहतरीन मौका है। फैमिली डिस्कशंस को, टेबल टॉक्स जिन्हें हम कहा करते थे पुराने जमाने में, आपको याद होगा या बहुत अरसा नहीं गुजरा होगा कि खाने के बाद जो है वो तमाम घर के अफराद थोड़ी देर बैठते थे दस्तरखान पे और बात होती थी। बिल्कुल और यानी स्कूल के जो पूरा एक रूटीन बन चुका है, उसमें बच्चे भी और हम भी ऐसे जकड़े हुए होते हैं कि हमें हम ये शिकायत करते हैं कि ना हमारे पास टाइम है ना उनके पास टाइम है। मेरा बिल्कुल ख्याल है बिल्कुल कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फैमिली मेंबर्स को रिकनेक्ट करने के लिए, अल्लाह ताला से अपने कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए और मॉडल करने के लिए बहुत सारी चीजें जो हम शायद बता कर सिखाना चाहते हैं बच्चों को। सही बिल्कुल। अच्छा जैसे हम बच्चों से डिस्कस करें, अभी जो सिचुएशन चल रही है, अक्सर लोग इस बात के बारे में कह रहे हैं कि बच्चों को भी एक कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि इस वक्त ये सब कुछ हो रहा है, और बच्चों खुद सफ़र इस तरह कर रहे हैं क्योंकि उनकी स्कूलिंग इस वक्त रुकी हुई है। जो बच्चे अमूमन अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं कहीं पर जाके, तो वो नहीं कर पा रहे। तो एक अगर मतलब हम ना भी उनसे बात करें तो एक उनकी ज़िंदगी के ऊपर असर तो उसका आया हुआ है। तो किस तरह से हमारी उनसे जो कन्वर्जेशन है वो किस तरह की होनी चाहिए कि हम बताएं तो उनको, लेकिन वो रहे पॉजिटिव ही, मतलब ये ना हो कि वो मज़ीद उनके अंदर कोई एक फियर, डर, खौफ पैदा करे। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कमल? बिल्कुल। देखें, बच्चों से इस किस्म की डिस्कशन हो सकती है कि जब हमारे ऊपर कोई मुश्किल आती है या मुसीबत आती है तो उसके पॉजिटिव पहलू क्या क्या निकल सकते हैं, क्योंकि जब मुश्किल होती है ना तो हम ज्यादातर सब नेगेटिव पहलू की तरफ देखते हैं। तो क्या किसी मुश्किल में कोई पॉजिटिव पहलू हो सकता है या होता है? और ये आप सिर्फ अपनी डिस्कशन से ही कन्वे नहीं कर सकते, बल्कि आप हिस्ट्री से, ऐसे वाकयात, असाबे कराम की जिंदगी से, अंबिया की जिंदगी से, वो भी डिस्कस करें, वो डिस्कशन का पार्ट बनाएं, यानी वो सुनाएं और फिर उस पर डिस्कस करें कि उनका अमल क्या था, उन्होंने कैसे रिएक्ट किया और हमें इससे क्या लेसन मिलता है कि हमें किसी मुश्किल को कैसे देखना चाहिए, कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप कहानियों और स्टोरीज के थ्रू कोई बात इंकल्केट कर रहे हैं, और दूसरा, जब मुश्किल आती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी आप बिल्कुल परेशान होके हवास बाख्ता हो जाते हैं या आप मुश्किल में अल्लाह को याद करते हैं और बच्चे आपको ऐसा करते हुए देखते हैं कि आपका कनेक्शन किसी मुश्किल में अल्लाह से बेहतर हो गया, ज्यादा हो गया। और फिर ऐसी दुआएं जिनपे, यानी हम दीन इस तरह से लागू करने की कोशिश करते हैं कि बस ये चीजें ये याद कर लो और दैट्स इट, यानी किसी उसको तर्जुमे के साथ पढ़ना, तफहीम के साथ पढ़ना, उस पे बात करना, इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपके डिस्कशन के जो है वो दायरे में आ सकती हैं। सही। अच्छा, इसके अलावा कुछ और चीजें भी हमें ख्याल रखना चाहिए, मिसाल के तौर पे सोशल मीडिया पे और इसी तरीके से जो टीवी के ऊपर या वैसे भी जो मुस्तनद खबरें नहीं हैं, जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जो रैंडम कोई भी आगे मैसेजेस फॉरवर्ड हो जाते हैं और वो बच्चों को उसका एक्सपोजर मिलता है, तो बच्चे सही और गलत में उस हद तक तफरीक नहीं कर पाते। बड़ों को तो अंदाजा होता है किसी हद तक कि ठीक है, ये शायद ऐसी र्यूमर है, इसमें कोई फैक्चुअल चीज नहीं है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन बम्बार्डमेंट है इस टाइम पर, कि जिसमें कोई भी ऐसी खबर बस उसको आगे फैला दिया जाता है, उसका भी अपना एक असर होता है। तो सबसे पहली चीज तो सोशल मीडिया और इसके ऊपर मतलब हम फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इस तरह की चीजों से भी डिस्टेंसिंग बड़ी जरूरी है। और एनर्जी हमें ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है कि स्टोरीज जो है वो एक बहुत ही पावरफुल टूल है। बचपन से बच्चों को जो कहानियां सुनाई जाती हैं उनका उनकी जिंदगी पर बहुत असर होता है, बहुत गहरा असर होता है। अब वो कहानियां हम चाहे इस्लामी कहानियां लें, चाहे हम हिस्ट्री से अपने पाकिस्तान की इस ज्योग्राफी की हिस्ट्री से कोई इस तरह की कहानियां लें जिसके अंदर मुसीबतें हम पर आई और उसके बाद किस तरीके से लोगों ने अल्लाह ताला से ताल्लुक को जोड़ा और अपने आप को देखा और अपनी चीजों को बेहतर किया और ये देखा कि उन
मुश्किल अगर अल्लाह की तरफ से आई है तो हल भी अल्लाह ताला बताता है, और उस हल को ढूंढने के लिए इंसान को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। वो बेखौफ होकर ही हल को देख सकता है, खौफ में रहते हुए उसका हल नहीं देख सकता। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों को बताने के लिए कि बेटा डर जो है वो हमें रोकता है, और डर से ज्यादा अगर हम उसके अंदर उस पर रिफ्लेक्ट करें, उसको सोचें, उसका तदारुक करें। जैसे अभी बहुत ज्यादा हाइजीन पर बात हो रही है, हाथ साफ रखें, हम जो है जब बाहर जाएं तो बाहर से वापस आए हाथ धोएं, किसी आंख में ना लगाएं, मुंह में ना लें, ये भी बातें हैं जो हाइजीन के हवाले से बच्चों को वैसे भी हमें बतानी चाहिए कि खाना खाने से पहले हाथ धोने हैं, खाना खाने के बाद हाथ धोने हैं, किसी से मिलकर आए तो हम साफ सुथरे अपने एक एनवायरमेंट में रहें, कोशिश करें कि हम लोगों से, और मुनासिब फासला तो वैसे भी एक हमें किसी से बात करते हुए अपनाना ही चाहिए, एक पर्सनल स्पेस होती है। तो ये सारी चीजें इसमें इस पॉजिटिव सेंस में भी डिस्कस किया जा सकता है, बजाय इसके कि हम हर वक्त ये सोचें कि यार मुझे बीमारी ना लग जाए और मैं उससे कोई और ऐसी खराब चीज ले ना लूं। इसकी जगह इसको पॉजिटिवली भी हम पॉजिटिव वर्ड्स में फ्रेम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हाइजीन का तो हमें वैसे भी ख्याल रखना भी चाहिए, और अपने बच्चों के अंदर ये शुरू से एक आदत क्रिएट करनी चाहिए, टेबल मैनर्स बताने चाहिए उनको, और ये सारी चीज़ें। तो बिल्कुल आपकी बात सही है, ये भी एक हमारे पास इस तरह से देखा जाए तो एक टाइम है कि जिसमें अगर तो कुछ लोगों ने अपने बच्चों को एक बड़ा जो एक चला था ना सिलसिला, वो ये था कि पहले के माँ बाप बहुत ज़्यादा सख्ती करते थे अपने बच्चों के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर रोक टोक और सब कुछ। उसके बाद एक दौर वो वाला आया जिसमें हम लोग पेरेंट्स बने और हमने सोचा कि नहीं, हमारे ऊपर जो सख्तियाँ हुई थी वो अपने बच्चों पे नहीं करेंगे। उसमें काफ़ी लोगों ने मैंने देखा है अपने बच्चों को इतना ज़्यादा स्पॉइल कर दिया है कि वो हर बात जो मुंह से निकल रही है वो पूरी कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वो चीज़ भी मतलब इस वक्त टैकल करने की ज़रूरत है कि आपको बच्चों को कितना ज़्यादा लाड प्यार देना है या फिर आपको तरबियत करनी है, उसमें एक फ़र्क होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मैं समझता हूँ कि ये तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। हाँ। और हमें ये सोचना चाहिए कि हमें देखिए टोकना तो एक एक्टिविटी है ना। हाँ हाँ। टोकना, टोकने की जो सलाहियत है उसके पीछे हमें ये जरूर इस्टेब्लिश करना है कि उसूल क्या है, किन उसूलों पे हमें किसी को बात बतानी है, और किन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर उस उसूल के खिलाफ होंगी तो मैं जरूर उस पर बोलूंगा। तो बच्चों को भी मालूम होगा कि ये कुछ उसूल हैं जिंदगी के, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ चीजें हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, जिन पर अगर जिनसे अगर मैं डेविएट करूंगा तो मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे बिल्कुल इस पर बोलेंगे। हम मूड के ऊपर ना टोकें कि आज मेरा मूड खराब है तो मैं तुम्हें हर बात पे टोकूंगा, और आज मेरा मूड अच्छा है तो तुम कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। तो ये चीजें जो है वो परेशानी का बाइस बनती है। प्लस ये कि आप ये देखें कि आज तुम पे बहुत लाड आ रहा है मुझे, तो बेटा मैंने तुम्हें ये पांच चीजें ऐसी मैंने ऑनलाइन सर्च कर रहा था, तो आपको पता ही आजकल ऑनलाइन शॉपिंग किस तरीके से इस वक्त इसका उरूज है। तो हम जब जिस तरीके से वो उसका एक इम्पल्स क्रिएट होता है, हमें सामने आती है कि भाई इसका ये ऑफर है, ये चीजें हैं, थोड़ा सा हम होल्ड करें और देखें कि ये क्या हमें वाकई जरूरत है और क्या हमें वो चाहिए भी, और बच्चों की ख्वाहिशात को भी हम उसी तरीके से देखें कि जो नीड है हम बच्चों को बताओ कि ये नीड है, ये मेरे पेरेंट्स पूरी कर रहे हैं, और जो मेरी विश है या जो मेरी वांट है, जो मैं समझता हूँ कि मुझे मजीद चीजें चाहिए या मजीद कुछ तोहफे चाहिए, तो वो क्या मेरी जरूरत के अंदर और क्या इस वक्त मुझे वो मेरी जरूरत है या नहीं है, इस पर एक डिस्कशन जरूर बिल्ड होना चाहिए पेरेंट्स का। बिल्कुल सही बात है, और बिल्कुल इसी तरह से है कि अभी स्पेशली जो इस वक्त की जो पेरेंट्स हैं ना, तो वो यही होता है कि जो बात मुंह से निकलती है बच्चे के, अगर वो हम नहीं कर सके, तो बहुत सारे मैंने ऐसे भी माँ बाप देखे हैं कि जिनके साथ अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, कोई फाइनेंशियल इशू है, तो वो अपने आप को कसूरवार समझ रहे होते हैं कि नहीं हम नहीं दे पा रहे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये हमारी कोई कमी है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं कि डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है, और इस वक्त में बड़ी अच्छी जो पॉजिटिव चीज़ जो नज़र आ रही है ना, वो ये है कि लोगों को थोड़ा सा वो बाउंड हो गए कि बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी, आपको रोका जा रहा है शॉपिंग सेंटर्स में जाने से, है ना। और इसी तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो हम लोग पहले किया करते थे, बहुत ज़्यादा आउटिंग कर रहे हैं, बाहर खाना खा रहे हैं, तो उनसे हम इस वक्त रुक गए। जो तलहा ने अभी बात की कि हमें इस चीज को देखना चाहिए कि ये हमारी जरूरत भी है या नहीं। हाँ। तो यानी डिस्कशन के लिए बहुत से पॉइंट्स निकल सकते हैं कि जब हम बच्चों के साथ बैठेंगे और थोड़ी बातचीत करेंगे कि भाई ये जो लॉकडाउन सिचुएशन है, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या हैं।
तो वो जरा लिस्ट डाउन करें, हम्म, क्या इसका इसके सिर्फ नुकसान हो रहे हैं या इसके पॉजिटिव भी कोई एस्पेक्ट है। तो ये वाली सारी डिस्कशन आ सकती है कि भाई हम शॉपिंग कम हो गई, गैर जरूरी चीजें जो हैं वो कम हो गई, गैर जरूरी बाहर आना जाना कम हो गया। बिल्कुल, ठीक है, इसके अलावा आप बच्चों को यानी अपने साथ एंगेज करके उनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का उनसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की एक वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चे मसरूफ होते हैं, वो स्कूल में होते हैं, तो जाहिर है उनका एक रूटीन बना हुआ होता है कि वो स्कूल से आएंगे, फिर वो अपना होमवर्क करेंगे, और फिर वो उनका अपना एक रूटीन सेट है। तो शायद घर के मामलात में या घर के छोटे मोटे कामों में उनका कोई अमल दखल नहीं होता, बिल्कुल, जबकि इस टाइम पीरियड को आप बहुत अच्छे से उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बच्चों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों कि वो सब घर वाले मिलकर घर के काम कैसे किए जाते हैं, घर घर में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, तो एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर उनके अंदर इनकल्केट किया जा सकता है। सही, बिल्कुल। अच्छा, उसमें घर के कामों में बच्चों को जो इंगेज करना है, ये भी मतलब बहुत सारे माँ बाप के जहन में ये चीज़ होती है कि नहीं, हम उनके ऊपर इस वक्त में बर्डन क्यों डालें, जब वो पढ़ रहे हैं तो इस वक्त उनको सिर्फ और सिर्फ पढ़ने का टाइम मिलना चाहिए। और अक्सर अगर कोई बच्चा खुद से एक ऑफर कर भी दे कि हम ये काम कर लेते हैं, तो उनको फ़ौरन रोक दिया जाता है कि नहीं, तुम्हें पढ़ाई पर फोकस करना है। तो ये बिहेवियर मतलब इस वक्त के हिसाब से, जैसे अभी घर पे हैं सब लोग, और बाज़ जगह पे ये भी हो रहा है, जैसे मेरे साथ हो रहा है कि मैं बाहर हूँ, बच्चे लेकिन घर पर हैं, तो जब घर पे जाओ तो बच्चों का एक सारा वो सारा सिलसिला शुरू हुआ होता है। तो उसमें हमें अपने बच्चों को ये टाइम जो मिल रहा है, इसमें ये ट्रेन भी करना चाहिए कि अपने काम खुद करने की आदत डाली जाए। बिल्कुल, असल में ये समझने की जरूरत है कि जो एजुकेशन है ना, वो सिर्फ एक कमरे में बैठकर और करिकुलम के साथ नहीं होती। हमारी पूरी लाइफ जो है वो एक तरह से बच्चों को एजुकेट कर रही है। हमारी हर हर चीज, वालदैन की हर हर चीज जो वो कर रहे हैं, वो उनके लिए एजुकेशन ही है, क्योंकि वो आपसे सीख रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, तो ये चीज तो हमने खुद ही तय कर ली कि जो स्कूल में होता है या जो घर से बाहर कहीं जाकर आप सीखते हैं वो सीखना है, और घर के अंदर सीखना नहीं होता। तो तरबियत का ये भी पार्ट है कि जो घर के सारे मामलात है ना, घर के छोटे मोटे काम करना, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना, वो काम जो आप खुद कर सकते हैं वो खुद करना, ये आपको सेल्फ डिसिप्लिन सिखा रहा है। ये आपको जिंदगी में कैसे मूव करना है, जब आप रियल लाइफ में आते हैं, लोगों के साथ मामलात करते हैं, तो ये चीजें काम आ रही होती हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप रिलेशनशिप्स के अंदर आते हैं। उस वक्त आपको ये याद नहीं होता कि मैंने केमिस्ट्री में एग्जाम में क्या लिखा था, या किसी और सब्जेक्ट में मैथ्स का फलां थ्योरम वो क्या था, ये सब याद नहीं आ रहा होगा। बिल्कुल सही, ऐसे ही है। बिल्कुल सही है। मैं इस बात को थोड़ा सा ऐड ऑन करूं, अगर कि घर के कामों की बहुत ज्यादा एजुकेशनल वैल्यू है। हम पता नहीं क्यों अपनी सोसाइटी के अंदर हम ये समझते हैं कि सारे काम या तो अम्मा ने करने हैं या बड़ी बहन ने करने हैं, और हम मतलब ये लड़का या घर का कोई मर्द तो करेगा नहीं। लेकिन जो बच्चे हैं, जो जो पढ़ रहे हैं अपने स्कूल के अंदर, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम जो है वो दुनिया में वन ऑफ द टॉप मोस्ट एजुकेशनल सिस्टम कहा जाता है उसे। और इसी तरीके से और भी कंट्रीज हैं, उन्होंने घर के कामों को बहुत सारी छोटी क्लासेस के अंदर 9 साल, 10 साल, 11 साल के बच्चों को जो होमवर्क वो देते हैं, वो अक्सर घर के कामों का होमवर्क देते हैं। अच्छा वही कहते हैं कि भाई, बच्चे को कहते हैं कि जी आप आज घर जाके आटा गूंदिएगा अच्छा और उस एक्सपीरियंस को बताइएगा कि कैसा है। अब हमारे यहाँ किसी स्कूल में अगर ये बोल दिया जाए किसी बच्चे को कि बेटा आज आपने घर जाके आटा गूंदना है अम्मा के साथ, तो अगले दिन अम्मा स्कूल आई होंगी कि भैया आपने कैसा काम दे दिया। तो बात यह है कि हमें पता नहीं क्यों, कमल जैसे बात कर रही है, कि हम ये समझने लगे हैं कि किताब खोल के कमरे में बैठ के टेबल कुर्सी सामने हो, कोई पढ़ा रहा हो, और तभी मैं इंफॉर्मेशन हासिल करूंगा, एजुकेशन आएगी मेरी, उसके बगैर नहीं आ सकती। भाई घर के काम तो मतलब सदियों से चले आ रहे हैं, हर घर में कोई ना कोई काम है, और उसके पीछे कोई ना कोई हिसाब किताब, कोई ना कोई स्किल्स है, कोई ना कोई बैलेंस करने का एक्ट मौजूद है। इन सब की एजुकेशनल वैल्यू है।
और वो बच्चे जो घर के कामों में हिस्सा नहीं लेते और बड़े हो जाते हैं, वो आगे चल के घर के अंदर एज सपोर्ट पार्टनर भी नहीं अच्छे बन पाते, क्योंकि वो रियलाइजेशन ही नहीं होती उन कामों की अहमियत की। तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है कि हम इस चीज को सोचें, और हम अब आगे आने वाला दौर जिस तरह का है उसमें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किल सेट होगा, ये घर के काम, खाना पकाना, ये चीजें सारी आपको आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये इस मिसाल को मैं आगे थोड़ा सा बढ़ाऊंगी। कला ने कहा कि आटा गूंदने का अमल जो है, या किचन के अंदर जो कुकिंग हो रही है, आप समझ लें, आप इससे मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ये चीजें और इसके कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं बड़े आराम से। सही सही। लेकिन इसके लिए आटा गूंदना जो है और या बेकिंग करना, इसके अंदर जितनी केमिस्ट्री शामिल है ना, केमिकल रिएक्शंस, चीजें रिएक्ट कैसे करती हैं, किस रेशो में क्या चीज डलेगी, किस रेशो में कम डलेगी, ज्यादा डलेगी, ये यानी आप अच्छा खासा मैथ, केमिस्ट्री, ये सब आप सिखा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जबरदस्त। अच्छा, ये मेरे पास एक अर्जुन रॉय का क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा है आपसे कि हाउ डू यू फाइंड गुड लर्निंग रिसोर्सेज, और इन्होंने कहा है कि व्हाट आर लर्निंग रिसोर्सेज, सम एग्जांपल्स। लर्निंग रिसोर्सेज, लर्निंग रिसोर्सेज किस तरह से ये ढूंढी जा सकती हैं, और क्या जो लर्निंग रिसोर्सेज हैं वो क्या होती हैं, कुछ एग्जांपल्स अगर आप दे दें कुछ सीखना चाहें तो। अच्छा, लर्निंग रिसोर्सेज तो मुख्तलिफ शक्लों में आपके पास मौजूद हैं, किताबों की शक्लों में मौजूद हैं, इस वक्त क्योंकि इंटरनेट का दौर है तो बहुत सी वेबसाइट ऐसी मौजूद हैं। अच्छा, ये वॉइस डिस्टॉर्शन तो मुझे सुनाई दे रही है या आपको भी सुनाई दे रही है? नहीं, यहाँ से तो सही है। अच्छा ठीक है, तो मुझे सुनाई दे रही है। तो बहुत सी ऐसी एजुकेशन वेबसाइट्स हैं, आप अगर इंटरनेट ना चाहें तो वो आपको मिल जाएंगी, जहाँ पर बच्चे के तौर पर बहुत सी चीजें खुद भी सीख सकते हैं। ठीक है, यानी उनको आपको लेके बैठना या पढ़ाना जरूरी नहीं है। इसके अलावा हम एक बात जैसे सजेस्ट करते हैं अपने जो भी हमारे पार्टिसिपेंट होते हैं, कोर्स करने वाले पेरेंट्स, उनको हम कहते हैं हर घर में एक लाइब्रेरी होनी। तो लाइब्रेरी इज अ बिग रिसोर्स। तो वो पैसा जो आप किसी और फालतू की चीज का खर्च कर रहे हैं, आप घर के अंदर एक लाइब्रेरी बनाइए सही, जिसमें हर तरह की किताब मौजूद हो, यानी इसके अंदर स्टोरी बुक्स भी हैं, इसके अंदर जो है वो हिस्ट्री से रिलेटेड किताबें भी हैं, साइंस, सोशल स्टडीज, ये मुख्तलिफ नौत की किताबें हों, और बच्चे वो अपने शौक से पढ़ें, वो बहुत कुछ खुद सीख लेंगे। बिल्कुल, यानी इसके लिए आपको बिठाना पढ़ाना ये बिल्कुल जरूरी नहीं होगा, अगर वो घर में माहौल देखेंगे। बिल्कुल, मतलब रीडिंग हैबिट जो है वो बच्चों की हमें डेवलप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर हम चाहते हैं कि उनकी लर्निंग भी अच्छी हो और वो सीख सकें कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर मैं लाइब्रेरी मौजूद है और वो बड़ों को पढ़ते हुए देखता है तो वो खुद पढ़ना चाहेगा, यानी आप जो है वो आपको कहना नहीं पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है जी। तल्हा साहब, आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं इसमें बस यही ऐड कर रहा था कि किताबों में जैसे बात की डाइवर्सिटी की और चीजों की, मेरे ख्याल से लर्निंग रिसोर्सेज के अंदर ये अपने लिए एज पेरेंट की अगर बात करें कि वो खुद क्या इस तरह की चीजें हों कि उनको पेरेंटिंग बेहतर करने में हेल्प हो सकती है। हमारी यूट्यूब पर ऑडियो विजुअल लाइब्रेरी, वीडियो लाइब्रेरी हमारी पूरी बनी हुई है हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें बहुत सारी हंड्रेड ऑफ टॉक्स हैं और थाउजेंड ऑफ आवर्स हैं उसके अंदर, डिफरेंट हवालों से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, पेरेंट्स के लिए, मुख्तलिफ हवालों से, पर्सनल प्रोफेशनल स्किल्स को बेहतर करने के लिए, पेरेंटिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए, तो वो भी उस रिसोर्स से भी फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल, हमारी यूट्यूब चैनल है ERDCPK करके, आप चाहे तो उसको रिपीट भी कर सकती हैं। जी जी बिल्कुल, और उधर से बहुत बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है इस हवाले से। लेकिन किताबों का जो शौक है, किताबों के अंदर देखें, कहानियों की किताबें अमूमन समझते हैं कि शायद वो शायद उससे बेहतर कोई इंफॉर्मेशन वाली किताब दें। असल में देखिए, किताबों का शौक पैदा करने के लिए और किताबों से खुशियत के लिए
हमें हर तरह की किताबों का जखीरा अपने पास रखना होगा। जिस तरह हमारे पास एक मंथली ग्रोसरी का बजट होता है, हमारे पास क्लोथिंग का बजट होता है, हमारे पास और डिफरेंट आइटम्स का हमने मंथ में अपना एक रखा होता है कि हम इतने रुपए इस ग्रोसरी पे रखेंगे, इतने रुपए इस पे, हमें किताबों का भी बजट एक अपने घर के अंदर स्टैब्लिश करना चाहिए। और अगर हम समझते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हमें मतलब अगर हम हमारी इनकम उस तरह की नहीं है कि हम किताबों के लिए रख सके, तो हमें फिर अपने बजट को रीलोक करना चाहिए। हमारी मतलब ये नहीं कह रहे कि बहुत बड़ा अमाउंट रखे, लेकिन कुछ ना कुछ कोई ना कोई अमाउंट जरूर ऐसा हो जो किताबों के लिए मुख्तस हो। और हर महीने जब ये कोविड खुलता है या सिचुएशन बेहतर होती है तो एज अ फैमिली एक ट्रिप किसी अच्छे बुक स्टोर का लाजमी होना चाहिए, जहाँ से हर शख्स अपनी पसंद की कोई किताब देख सके, सिलेक्ट कर सके और पढ़ने के लिए ले जा सके। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी एंगेजमेंट होगी इसको बिल्ड करने के लिए। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि कुछ ना कुछ बजट रखना चाहिए, अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम कितना हो सकता है तो वो कितना होगा कि जिसमें हम कोई अच्छी किताब खरीद लें? अच्छा देखिए, मिनिमम का तो बात ये है कि डिपेंड करेगा होम हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड, पर्सन टू पर्सन, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। मैं इधर एक सवाल ये करना चाहूंगा कि मैं जब किसी दुकान पर अपनी पसंद का जूता लेने जाता हूँ तो मुझे वो जूता कितना, मैं समझता हूँ कि वो कितने रुपए का हो तो सस्ता हो, वो मेरी जेब पे डिपेंड करेगा, मेरे ब्रांड पे डिपेंड करेगा, मेरी पसंद पे डिपेंड करेगा। हमें 5,000 या 8,000 रुपए का जूता लेना उतना महंगा नहीं लगता जितना अगर हमें कोई बताए कि यार 5,000 रुपए की किताब है ये ले लो, तो हमें फौरन बहुत सारे लोगों का ये रद्द अमल होता है कि इतनी महंगी किताब चाहिए, 500 की नहीं मिल सकती, 400 रुपए की नहीं मिल सकती। तो हमें अपनी अपनी प्रेफरेंसेस में, अपने हैबिट्स में, अपने इंटरेस्ट में थोड़ा सा अपने आप को देखने की, टटोलने की जरूरत है कि क्या वाकई मतलब मैं मेरी इंटरेस्ट ये चीजें हैं या मेरा इंटरेस्ट कुछ और होना चाहिए। तो फिर हमें महंगी चीज महंगी नहीं लगेगी, हमें सस्ती चीज सस्ती नहीं लगेगी, फिर हमें जरूरत होगी, हम समझेंगे कि यार ये चीज लेनी चाहिए और इसके लिए पैसे स्पेंड करने चाहिए, तो बिल्कुल मैं बाकी चीजों को छोड़ूंगा और इसको स्पेंड करूंगा, इस पर काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं इसलिए आपसे पूछ भी रही थी कम से कम कीमत, क्योंकि हमारा रवैया वाकई ये है, बहैसियत कौम हम यही प्रेफर करते हैं कि हम कोई अच्छा, अगर कोई ब्रांडेड सूट है तो वो ले लें, जूते ले लें, लेकिन हमारी इस प्रायोरिटी में कहीं पे किताब नहीं आती। बिल्कुल, ये बड़ा अलमिया है हमारा। सही बात है, हम लोग किताबों से बड़े दूर हो गए हैं, अगर पढ़ते भी हैं तो बस कोर्स की किताबें अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर समझ लेते हैं कि बस अब हम कामयाब हो गए, हमारे बच्चे पढ़ लिख के बहुत कुछ अमीर और बड़े आदमी बन जाएंगे, ये हमारा एक माइंडसेट बन गया है। जी अच्छा, और वो पढ़ते भी इसलिए है कि इम्तहान देना होता है, अगर वो इम्तहान ना लिया जाए तो शायद वो भी ना पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा, मेरे पास एक कॉल है, मैं देख लेती हूँ अगर ये हमारे टॉपिक के हवाले से बात करना चाहें तो। बिल्कुल, हम इनको लेते हैं। हेलो हेलो, ओहो कॉल ड्रॉप हो गई। जी आप कंटिन्यू कीजिए तलहा। जी तो मैं यही बात कर रहा था कि अच्छा, बहुत सारे घरों के अंदर बच्चों के ऊपर कोर्स की किताबों का क्योंकि बोझ होता है, तो पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई इतना तो पढ़ता रहता है बेचारा, ये किताब मैं को इसके अलावा भी कोई किताब हम इसके लिए पसंद कर लें तो मतलब ये भी एक बड़ा बोझ बन जाएगा। अगर बच्चा ही फरमाइश कर देता है कि अम्मी देखे मैं ये कोई नॉवेल पढ़ना चाह रहा हूँ या मैं कोई किसी और कोई ऐसी किताब मैंने देखी है पढ़ना चाह रहा हूँ, तो कहेंगे भाई तुम्हारे इम्तहान सर पर है अभी छोड़ो। इन सारी चीजों की अपनी जगह अहमियत जरूर है, कोर्स की किताब की, इम्तहानों इम्तहान की, तो जितनी अहमियत उसे मिलनी चाहिए उतनी अहमियत जरूर है। लेकिन बच्चा सीखता ही देखें, किताब तो किसी शख्स ने अपनी पूरी जिंदगी का और अपनी लर्निंग्स का निचोड़ सामने रखा और वो उसको कुछ अल्फाज में और कुछ सफात में तश्कील दे रहा है। वो जब हम उससे उसके उस चीज के उस सफर पे जाएंगे तो हमारी अपनी इमेजिनेशन कितनी खुलेगी। हम हर शख्स किसी एक मंजरनामे को अपने जहन के हिसाब से डिफरेंट लेवल पर सोचता है, उसका एक डिफरेंट उसका व्यू क्रिएट करता है और ये उसकी क्रिएटिविटी और उसकी इमेजिनेशन को कितना ज्यादा वसी करता है, उसकी रिफ्लेक्ट करने की सलाहियत को, उसकी दुनिया को एक नए जाविये से देखने की सलाहियत को, ये चीजें बड़ी अहम है। और अब आजकल चूंकि कहीं आना जाना नहीं है, हम तो आप शॉपिंग भी कह रही थी कि मॉल्स नहीं जा सकते, मतलब इससे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि हम विंडो शॉपिंग भी नहीं कर सकते। तो जब इतना वक्त हमारे पास है तो क्यों ना इस वक्त को इस तरह की कुछ एक्टिविटीज में कि हम अपनी फैमिली के साथ एंगेज हो, हम अपने अपनी आदतों को बेहतर करने की कोशिश करें और ये बड़ा हेल्पफुल होगा। इसके साथ साथ एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि
लोग ना जब उनको ऑफिस या स्कूल नहीं जाना होता तो उस दिन को छुट्टी का दिन समझते हैं, और हर छुट्टी के दिन हम अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स टाइम देते हैं कि यार चलो कोई बात नहीं, रात को देर तक जाग लेते हैं, सुबह थोड़ी देर से उठ जाएंगे, दिन देर से शुरू होगा, दिन देर तक चलेगा, रात देर से शुरू होगी, देर तक खत्म होगी, तो उससे हमारा डिसिप्लिन आउट हो जाता है और हम उस दिन को अच्छे और मुस्बत कामों में यूटिलाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल अच्छा दिन और प्रोडक्टिव दिन गुजारने के लिए, चाहे छुट्टी हो या नहीं हो, मतलब इन हालात के अंदर जब हमें कहीं नहीं जाना, तो इसमें क्या बुराई है कि हम सुबह जल्दी उठते हैं, हम अपने घर की छत पे या लॉन में या खिड़की के पास कहीं बैठ के हम सुबह की धूप लें, विटामिन डी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, हम सुबह जल्दी नाश्ता करें, हम हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, हम सुबह अपने माँ बाप बेहतर करने की कोशिश करें, और रात में फिर कोशिश करें कि हम जल्दी सोएं। इससे एक तो हेल्दी स्लीपिंग साइकिल भी मिलेगा, हेल्दी डे भी आप एक्टिविटीज प्लान कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन नहीं होगा तो कोई भी चीज आप उसको बेहतर तरीके से प्लान नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। और सर मुझे मतलब उस वक्त पे जब मैं अपनी बुक्स के अंदर सिलेबस की कभी कोई ऐसी कहानियों की किताब कुछ रख के पढ़ रही होती थी तो मुझे फख्र हो रहा है कि मैंने तो अच्छा काम किया था। अच्छा हमारे साथ और एक कॉलर दूसरी है। बात ये जी कि पहले जी क्योंकि ये वाला इशू नहीं था ना, तो इतनी हाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। हाँ आजकल मीडिया की शक्ल में और इंटरनेट और ये सब, ये डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, ऑप्शंस आपके पास बहुत हैं। पहले हाँ ये था कि अगर आपके पास टाइम है तो लड़कियां या बच्चियां जो होती थी उनको माएं अपने साथ लगा लेती थी कि अब इन्होंने सिलाई कढ़ाई सीखनी है, अब इन्होंने कोई कोई भी स्किल जो उन्हें आती है वो सिखाती थी, और जो लड़के होते थे वो कोई और स्किल सीखते थे अपने अब्बा के साथ। तो हम शायद ये समझने लगे हैं आजकल के दौर में कि मॉडर्न दौर में तालीम जो है ना, वो जो ये वाली स्किल्स होती थी, सिलाई कढ़ाई खाना पकाना, ये जो घरेलू काम होते थे, ये कोई हैसियत नहीं रखता, जबकि ऐसा नहीं है, इनकी सही अपनी वैल्यू है और इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। सही सही यानी घर में लोग खुद अपना फूड ग्रो करते थे, बहुत हाँ सारी जगहों पे ऐसे होता था कि हाँ थोड़ा बहुत जो भी, तो प्लांटिंग या गार्डनिंग एक बहुत ही अच्छी हॉबी है, बहुत अच्छा शौक है, हाँ तो इस टाइम को आप यूटिलाइज करते हुए ऐसे काम भी कर सकते हैं कि अगर जी आपके पास जगह मौजूद है हाँ तो आप अपने किचन के अंदर या अपने घर की छत पर या बाहर हाँ या हाँ विंडो एरिया है तो विंडो समझ लें आप, विंडो गार्डन, हाँ हाँ रूफ टॉप गार्डन, किचन गार्डन, विंडो गार्डन, अब तो ये सब बहुत एस्टेब्लिश समझ लें उसके तौर पर आपको बताए जाते हैं, मौजूद हैं ये सारी टेक्निक्स, बिल्कुल बिल्कुल तो इसमें इंगेज किया जा सकता है। इस तरह आप नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर भी अच्छी खासी आप समझ लें कि बायोलॉजी शामिल है। यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज आप करा जिससे आपको लगे कि ये तो टाइम जाया है, बिल्कुल इससे तो ऐसे बच्चा कुछ सीख ही नहीं रहा है। यानी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जितनी बॉटनी माली को आती है ना आपके, उतनी बॉटनिस्ट को भी नहीं आती बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है जिसने बॉटनी में कोई डिग्री ली हुई होती है, क्योंकि उससे आप पूछें उसको ये पता होगा कि कौन सी सब्जी, कौन सा फल, कैसे ग्रो करना है, कितना पानी देना है, कितने रखना है, तो बिल्कुल ये सारी साइंस बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अच्छा हमारे साथ कॉलर हैं तो मैं उनको लेना चाह रही हूँ। हेलो है। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नाम बताइएगा। मेरा नाम अब्दुल रजाक है। अच्छा, हम आज बात करें COVID-19 के हवाले से और पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई जी सवाल जी है तो बिल्कुल आप कीजिए। एक्चुअली क्वेश्चन तो बड़ा कॉमन है और वो आजकल हम सब भी फील कर रहे हैं इस चीज को। बच्चे जब घर में होते हैं, स्कूल तो जा नहीं रहे। अब स्कूल में इनका जो ऑनलाइन क्लासेस इन्होंने स्टार्ट की, मेरे ख्याल से वो इतनी इफेक्टिव है नहीं। तो एक्चुअली चूंकि एक्सपर्ट्स हैं तो मैं थोड़ा ये मालूम करना चाह रहा था कि इस सिलसिले में भी कुछ ऐसा, कोई मिनिस्ट्री से तो इनका खैर ताल्लुक रहता होगा, तो इन्होंने कोई इस तरह की चीज इन्होंने आगे बात की है। क्योंकि ये जब तक ये सिलसिला चल रहा है तो बच्चे, मतलब ऑल्दो दे आर टेकिंग क्लासेस बट इट्स नॉट इफेक्टिव। तो इनका अगर कुछ इस तरह का सिलसिला है कि मिनिस्ट्री से, तो इन्होंने आई मीन
पाकिस्तान में सही है, अगर वहां पर भी बात करें, ओवरऑल मैं एक जस्ट आइडिया लेना चाह रहा हूँ कि कुछ इस तरह की चीजों को रेस किया जा रहा है कि इसका कुछ सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है, या तो स्कूल खुले अदरवाइज ये ऑनलाइन क्लासेस इसको किस तरह से फर्दर इफेक्टिव बनाया जा सके। चलें ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है। चलें बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राइट अच्छा, बहुत सारे लोगों में वाकई एक सवाल पैदा हो रहा है कि इस वक्त जब ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो वो जो स्कूल का एक माहौल होता है उसमें बच्चे अपना पूरा टाइम गुजारते हैं, अपने फ्रेंड से बातें करते हैं, टीचर से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, तो वो एक घंटे की ऑनलाइन क्लास में वो हो नहीं रहा, तो उस पर उसके बारे में पूछना चाह रही है। नहीं बिल्कुल, बहुत वैलिड आज के हवाले से सवाल है, लेकिन ये ओवरऑल सिचुएशन इवॉल्व हो रही है। इस वक्त आप देखें तरक्की याफ्ता ममालिक में भी, और जहाँ पर तालीम का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर मौजूद है, और हम जैसे ममालिक की जहाँ पर इस वक्त हर चीज हम काफी पुराने सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं, उसमें इस वक्त ऐसा कंप्लीट सोल्यूशन देखना और उसको इम्प्लीमेंट करना मास लेवल पर एक बहुत बड़ा एक समझ लें कि एक ब्लॉकेट है या एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है सबके सामने, और खासतौर पर स्कूल्स के सामने कि वो किस तरीके से अपने सिस्टम को जारी रख सकते हैं। ये तो एक मतलब एजुकेशन वैल्यू तो एक अलग मरल है, लेकिन तमाम स्कूल्स ने सिर्फ असेसमेंट ही कैंसिल कर दी है और ये कह रहे हैं कि जी वो नेक्स्ट क्लासेस में वो वैसे ही मूव कर देंगे, और इस पर हम प्रिंसिपली आप समझते हैं कि असेसमेंट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपने पूरा साल एक काम किया है और बनाया है तो हर बच्चा सक्सेसफुल होता है, आगे जाना चाहिए उसको हक है। अच्छा, इस चीज को बेहतर कैसे किया जा सकता है ऑनलाइन एक्सपीरियंस को? लेकिन पहली चीज तो ये कि ऑनलाइन एक्सपीरियंस को 100% फुल्ली तौर पर यह ना समझा जाए कि ये काफी है, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं हो रहा, पर्सन टू पर्सन सामने बैठ के एक्सप्रेशन सवाल फीलिंग्स नहीं शेयर हो रही, बच्चा जो नहीं समझ आ रहा तो हैंड रेस करके कहता है कि भाई ये नहीं समझ आ रहा इसको कैसे बता। इसके लिए थोड़ा सा पेरेंट्स को अपने तौर पे बहुत सारे ऐसे टूल्स, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, फॉर एग्जांपल खान अकेडमी एक बहुत बड़े ऑनलाइन इस तरह का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर बच्चा अपने आप को आप अपने बच्चों को रजिस्टर भी करा सकते हैं, और वहां पर जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, और जहां पर आप ये भी देख सकते हैं कि आपको अगर कॉन्सेप्ट या चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो बच्चा उस कॉन्सेप्ट के लिए किसी वीडियो को ढूंढ भी सकता है, तलाश भी सकता है, और उसमें से उसको बहुत आसानी से कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। जहां तक बात है सोशल इंटरेक्शन की, तो अब सोशल इंटरेक्शन तो बहुत आसान हो गया है, बच्चों के जूम ग्रुप्स है, बच्चों के क्या नाम है आपका व्हाट्सएप ग्रुप्स बन गए हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मॉनिटर करके सुपरविजन के साथ थोड़ा सा ट्रस्ट करते हुए इस चीज को लेके चलना कि कहीं बहुत ज्यादा टाइम भी बच्चा उस चीज पे ना बैठ रहा, उसका एक मामूल बनाना या डिसिप्लिन करना बड़ा जरूरी है कि 30 मिनट 15 मिनट 20 मिनट। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, क्योंकि हमने आज तक इस सिचुएशन को देखा नहीं तो हमने कभी कोर्स बुक्स की ऐसी अच्छी कोर्स बुक्स की तलाश भी नहीं की, हमने रेफरेंस बुक की भी तलाश नहीं की, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर रेफरेंस होती है, आप सर्च करें, आप टॉपिक सर्च करें उस हिसाब से आपको बहुत सारी रेफरेंस बुक्स मिल सकती है, चाहे वो स्पेस पर हो, चाहे वो लाइट पर हो, चाहे वो साउंड पर हो, चाहे साइंस के टॉपिक्स हो, चाहे सोशल स्टडीज के टॉपिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी के टॉपिक्स हो, बहुत सारे इस तरीके से डाइजेस्ट आते हैं जिसके अंदर मजीद डिटेल होती है इस तरह की चीजों की, तो ये एक सपोर्टिंग एलिमेंट हो सकता है कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए। अभी तो आगे नहीं पता सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है, स्कूल खुलते हैं नहीं खुलते, और ये डिसाइड तो ग्लोबली सारी ये जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये करेंगे स्कूल्स के हवाले से कि किस तरीके से इन्होंने आगे इसको लेके चलना है, मगर ये बात सही है कि ऑनलाइन काम करना और उसको लेके चलना एक बहरहाल मुश्किल काम है लर्नर के लिए भी और टीचर के लिए भी। सही सही, चले गुड, जबरदस्त जबरदस्त डिस्कशन रही है। और अभी एक मेरे पास एक सवाल आया हुआ है बेसिकली, वो ये इन्होंने पूछा था रिशान खान ने कि मेरा भतीजा है छोटा, बहुत डरता है रोता है स्कूल जाने से, तो उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? लेकिन मैं सोच रही हूँ कि इसको हम अपना नेक्स्ट टॉपिक रखते हैं कि स्कूल जाने से जो बच्चों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर एक बड़ा खौफ होता है, तो उस खौफ को हम किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है, और वैसे तो आजकल स्कूल ही बंद है, ये भी सही है, बिल्कुल सही बात है। चलें जी तलहा साहब, कमल बहुत अच्छा लगा आज की भी जो डिस्कशन है हमारी, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक हम एक और टॉपिक के साथ फिर दोबारा से डिस्कस करते हैं।
और लोगों को सीखने का मौका मिलेगा. बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज़.